हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो है डॉक्टर बिल्कीस शेख का। आप लोग ने इनके बारे में तो बहुत सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो आज ये वीडियो आप लोग देखें, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। और आज मैं उनके नेचुरलाइज प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें सनब्लॉक है और ये वाइटनिंग स्क्रब है। आज मैं आप लोगों को इसका यूज़ करने का तरीका सब कुछ बताऊंगी, ए टू जेड बताऊंगी। आप लोगों ने इस वीडियो को बस एंड तक देखना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से एंड तक देखें वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूंगी आप लोगों से, ये जो प्रोडक्ट हैं ये मैं अपने पैसों से ख़रीदती हूँ। ये कोई मैं आप लोगों को किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, या मुझे कोई PR पैकेजेस नहीं आते, या मेरे पास कोई चीज़ फ्री नहीं आती। ये सब मैं अपने पैसों से ख़रीदती हूँ, और जिनके अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिलते हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इवन जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, मैं उसके शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। आज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम बात करेंगे सनब्लॉक्स के बारे में। इसके ये है SPF 30। अच्छा, SPF 30 के बाद जो जितने भी होते हैं 40, 50 या 60, उसके अंदर केमिकल की ऐड होता है, वो केमिकल ऐड होता है। और जो SPF 30 है वो बगैर केमिकल के होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। और जो डॉक्टर बिल्कीस शेख के जो प्रोडक्ट्स हैं नेचुरलाइज के, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है, इसके पीछे आप ये देखें, ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑर्गेनिक है इसके अंदर, और ये भी ऑर्गेनिक है। और इसके ये है 150 ml है, ये स्किन डार्कनिंग ऑयल एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा कर लेता है आपकी स्किन में, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। या आप लोग, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो समझती हैं कि हम लोगों को सनब्लॉक जब भी यूज़ करना चाहिए जब हम सन में जाएं। देखें, बिल्कुल भी कोई हम लोगों को ये नहीं सोचे करें कि आप हम सन में ही जाएंगे तो हमें सनब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऐसे भी घर में सनब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी घर में भी सूरज की छुआएँ आती हैं। अगर नहीं भी आती तो औरतें जो होती हैं उनका काम होता है खाना पकाने का, वो किचन में जाती हैं और उससे भी आपकी स्किन बर्न हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप सनब्लॉक लगाएं या किचन में जाएँ या धूप में जाएँ, आप 15 मिनट पहले उसको सही से ऑब्जॉर्ब करें स्किन में, ताकि वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप उसके बाद बाहर जा सकते हैं या किचन में जा सकते हैं। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम बाहर जाएं सन में तो ही हम लगाएं, घर में भी बहुत ज़रूरी है। चलें बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये सनस्क्रीन लोशन सब कुछ लिखा हुआ है, और इसका ML तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, 150 ml है। बॉटल देखें आपकी इस तरह की है, देखें ये पम्प टाइप की बॉटल है इसकी, ना सूखेगा ये, ना आप लोगों को किसी चीज़ की झंझट नहीं है। बस ऐसे करके आप लोगों ने अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इसकी पिगमेंटेड इतना अच्छा ज़बरदस्त है कि अगर आप फेस पे भी इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके लाइक किसी मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है आपको। और जैसे हम कोई फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं कहीं जाने के लिए, शादी वगैरह के लिए, तो हम लोग ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो जो हम घर में से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं, हमें कोई फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये उसका बहुत अच्छा नेचुरल रिज़ल्ट देता है। ये देखें आप, इस तरह से आपने सही से एब्जॉर्ब कर लेना है अपनी स्किन में। ये यहाँ पर कैमरे के सामने आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा होगा, मगर इसका रिज़ल्ट वाइटनिंग है। हम इसको वाइटनिंग लोशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है वाइटनिंग स्क्रब नेचुरलाइज का। ये आप इस पे देखें, ये हर्बल है, हर्बल क्लिनिक का है, और इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये इसके पीछे हम करेंगे, इसमें यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ है कि इसको पेस्ट बना के दूध के अंदर पेस्ट लगाएं और मसाज करना है इसको। फिर इसके बाद ये देखें, इसके अंदर इसके अज्जा भी लिखे हुए हैं, 4 मगज़ है, संदल है, वर्स गुलाब के फूल हैं, तरमिस मरदार सिंह है, बेदारी कंद है। तो इसके अंदर कोई भी केमिकल की मिलावट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अपनी मिलावट की चीज़ें नहीं लगाया करें, जितने भी केमिकल वाली क्रीमें होती हैं वो नहीं लगाया करें, आपकी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है। अब ये देखें, इसका ये पाउडर फॉर्म में है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर फॉर्म है, आपने इसको किसी चीज़ में मिलाना है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं इसके यूज़ करने का तरीका, कि अगर जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है
वो बिल्कुल भी दूध यूज़ नहीं करें, क्योंकि दूध से आपकी स्किन जो है वो और ऑयली हो सकती है। आप लोग सिर्फ पानी या अर्क गुलाब में मिला के लगाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा और आपके स्किन पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो बात करते हैं इनकी प्राइजेस की। इनकी प्राइस जो है, ये सन ब्लॉक की जो प्राइस है ये है 350 है, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, 350 इसकी प्राइस है और 300 का मुझे ये मिला था। ये मैंने परचेज़ करा है लाइक रमज़ान जब शुरू हुए थे, रमज़ान से एक दिन पहले 23 अप्रैल को मैंने ये ऑर्डर मंगवाया था, मेरे पास रिसीव हुआ है मुझे, फिर उसके बाद मैंने यूज़ करा है। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाइटनिंग स्क्रब है, या आपकी जिल में जितने भी आपकी ब्लैकहेड्स ब्लैक टाइप्स के होते हैं, ब्लैकहेड्स होते हैं और जितनी भी आपकी मुर्दार स्किन्स होती हैं, ये सब रिमूव कर देता है। तो आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं इसको। डॉक्टर बिल्कीज़ का प्रोडक्ट है, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इनके प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप प्राइस भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका आपको स्किन में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये ग्रीसी नहीं है बिल्कुल भी, और इसका वाइटनिंग स्क्रब भी बहुत ज़बरदस्त है। आप यूज़ करें, फ़ायदा हो तो आप मुझे बताइएगा। इतना कॉस्टली भी नहीं है, बस आप थोड़े से पैसा खर्च करना है आप लोगों को, मगर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। सन ब्लॉक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो केमिकल वाला बिल्कुल भी मत लें, ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को गारंटेड बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। सो आज की वीडियो इतनी है, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। मेरे साथ आप लोग रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।